जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया कि शासन खाद एवं रसद विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चिन्हित महत्वपूर्ण योजना गरीब को अन्न के आयोजन हेतु 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित पखवाड़े के दौरान कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन आदेश द्वारा खाद्यान्न तथा मिट्टी के तेल के उठान वितरण एवं सत्यापन हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया है। शासनादेश में तृतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की पहुंच का सत्यापन ग्राम पंचायत अधिकारियों लेखपालों के माध्यम से सुनिश्चित कराए जाने की व्यवस्था है, जिसके क्रम में 1 से 4 अगस्त के मध्य जनपद में सत्यापन का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारियों लेखपालों द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सत्यापन अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सत्यापन कार्य की सुचिता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत तृतीय स्तरीय सत्यापन की क्रॉस चेकिंग हेतु 19 अधिकारियों की विकास खंड वार ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नामित अधिकारियों द्वारा क्रॉस चेकिंग के पश्चात अपनी सत्यापन आख्या DSO को 6 अगस्त को उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके द्वारा संकलित विवरण जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शासनादेशानुसार 5 से 20 अगस्त के मध्य उचित मूल्य की दुकानों से लाभार्थियों को पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अंत्योदय लाभार्थियों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड प्रति माह, 20 किलोग्राम गेहूं तथा 15 किलोग्राम चावल तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न, 3 किलोग्राम गेहूँ तथा 2 किलोग्राम चावल प्रति माह वितरित कराए जाने का निर्देश है। जिलाधिकारी ने अधिनियम की मूल भावना तथा इसके विभिन्न प्राविधानों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया।